हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। और आप सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने पिछली दो वीडियोस को इतना अप्रिशिएट किया। पिछली दो वीडियोस थी नॉर्दर्न एशिया और सेंट्रल एशिया पर। आप लोगों का ये रिस्पांस देख के मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और साथ ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी होता है कि कैसे भी करके मुझे आप लोगों के लिए संडे को वीडियो अपलोड करनी है। ये मेरा एक रूटीन बन चुका है कि रात को सोने से पहले मैं आप सभी के कॉमेंट्स चेक करता हूँ, तो इस वीडियो के भी कॉमेंट्स के लिए मैं इंतज़ार करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एक बार क्विकली वेस्टर्न एशिया का पोर्शन देख लेते हैं। तो आपको ये जितना भी ग्रीन में एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये हमारा वेस्टर्न एशिया। अगर इसकी बाउंड्रीज देखें तो इधर यहाँ पे कैस्पियन सी पड़ता है, ये तो कैस्पियन सी से आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ये रशिया का सदर्न रीजन है, उसके नीचे ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान पड़ता है, और ये पड़ता है हमारा यहाँ पर ब्लैक सी। फिर ये टर्की जो है, टर्की एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, इसका थोड़ा पोर्शन यूरोप में भी आता है, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा मैं आगे। फिर आगे जाकर यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी का इलाका आ जाता है। यहाँ पर ये साइप्रस एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, ये भी वेस्टर्न एशिया का ही पार्ट है। फिर इधर अगर आप देखें तो ये एक कंट्री पड़ती है इजिप्ट। इजिप्ट भी एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, इसका एक छोटा सा हिस्सा, जो ये इतना हिस्सा है, ये एशिया का पार्ट है, और बाकी का ये जो बड़ा वाला पोर्शन है इजिप्ट का, ये तो अफ्रीका का पार्ट है। फिर आगे ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं रेड सी। रेड सी के बाद इधर जब आप आएंगे, ये सब ये अरेबियन सी का इलाका हो गया। फिर इधर आपका यहाँ पर पर्शियन गल्फ पड़ता है, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान पड़ेगा, और फिर इधर ईरान जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से बाउंड्री बनाता है। तो कुछ इस तरीके का है ये वेस्टर्न एशिया। और एक और टर्म है आपने सुना होगा अक्सर, मिडिल ईस्ट, तो उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि यूरोपियंस जो थे उन्होंने एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को अपनी कॉलोनीज बना के रखा, स्पेशली अगर हम इंग्लैंड की बात करें। तो जो मैप है वो भी ये अपने अकॉर्डिंग ही देखते हैं। अगर यहाँ एक बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं इस तरफ के पोर्शन को ये ईस्टर्न पोर्शन कह देते हैं और इस तरफ के पोर्शन को ये वेस्टर्न पोर्शन कह देते हैं। अब ईस्टर्न पोर्शन में भी इन्होंने तीन अलग अलग तरीके के डिवीजन कर रखे हैं। एक डिवीजन है जिसको बोलते हैं ये नियर ईस्ट, एक को बोलते हैं ये मिडिल ईस्ट, और एक को ये बोलते हैं फार ईस्ट। तो ये जो एरिया है इन्होंने इसको नाम दे दिया है मिडिल ईस्ट का, लेकिन हमें, क्योंकि हम एशियन हैं, तो हमें इसे अपने प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, इसीलिए हमको इसको कहना चाहिए वेस्टर्न एशिया। लेकिन दोस्तों आपको मिडिल ईस्ट का आइडिया देने के लिए कि किस एरिया को ये लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, वो मैं आपको एक बार मैप में बता देता हूं। तो जितना मैंने आपको ये वेस्टर्न एशिया का पोर्शन दिखाया, उसमें से आपको ये ऊपर का, ये काउकेजियन रीजन बोलते हैं, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जिसमें तीन कंट्रीज आती हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, इनको आपको हटा देना है। और साथ ही ये जो इजिप्ट वाला जो रीजन है, जो अफ्रीका का पार्ट है, इसको आपको इसमें ऐड कर देना है। ओके, तो इसका ये तीन कंट्रीज यहां से हटा दी और इस पे इजिप्ट को ऐड कर दिया, तो इसको कहा जाता है मिडिल ईस्ट। हालांकि आप कहीं कहीं पे ये भी देखेंगे कि इसमें अफगानिस्तान को ऐड किया हुआ है या साइप्रस को हटा दिया गया है, थोड़ा अलग अलग डेफिनेशन आती रहती हैं। तो ये जो पोर्शन हुआ इतना, ये हो गया मिडिल ईस्ट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न एशिया काफी बड़ा है और इसमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हम ये पूरा का पूरा एक साथ कवर नहीं कर सकते। तो ये जो वीडियो रहने वाला है, इसमें हम देखेंगे इन कंट्रीज को ऊपर की, ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इसके अलावा टर्की को देखेंगे, साइप्रस को देखेंगे, इधर सीरिया, लेबनन, इजराइल, पैलेस्टीन, जॉर्डन, और इस सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का इस तरफ वाला पोर्शन है, इसको हम कवर करेंगे। बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है पिछली वीडियो से, आपको मुझे बताना है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डबली लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है कि लार्जेस्ट डबली लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, लेकिन साथ ही एक क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड लार्जेस्ट डबली लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, और काफी लोगों का कमेंट आया था कि हमें नहीं पता। तो उसका आंसर होगा लाइचेनस्टीन। ये कंट्री सराउंडेड है ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इधर से, पहले हम इन तीन कंट्रीज को जानते हैं डिटेल में। दोस्तों ये जो रीजन है इसको कहा जाता है काउकेजियन रीजन, क्योंकि यहाँ पर काउकेजियन माउंटेन्स हैं। यहाँ पर ये रशिया है, ये रशिया जो यूरोप का पार्ट है, वो वाला रशिया है। तो रशिया का जो सदर्न पोर्शन है, यहाँ से ये पहाड़ियां स्टार्ट होती हैं काउकेशिया की, और ये कुछ यहां तक पूरा रीजन है। ऊपर का जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको ग्रेटर काउकेशियन माउंटेन्स कहा जाता है, और नीचे वाले को लेसर काउकेशियन कहा जाता है। तो एक बड़ा मैप ले लेते हैं जिसमें हम इसको डिटेल में देख पाएंगे। दोस्तों पहले ये तीनों कंट्रीज यूएसएसआर का पार्ट्स हुआ करती थी। जब 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, उसके बाद ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई।
तो एक एक करके इन तीनों कंट्रीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जॉर्जिया को। मैं जॉर्जिया को आउटलाइन कर देता हूं। तो ये रहा जॉर्जिया। दोस्तों सबसे पहली बात कि जॉर्जिया को आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है जॉर्जियन स्टेट से। जॉर्जिया एक यूएसए का स्टेट भी है। लोगों को पता ही नहीं है कि एक कंट्री भी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम जॉर्जिया है। दोस्तों आप में से काफी लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि ये अलग अलग कलर में कुछ रीजन को क्यों बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इधर का ये जो रीजन है अबकाजिया और इधर ये जो रीजन है साउथ ओसेटिया, यहां पर जॉर्जिया का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता। ये दोनों ही रीजन ऑटोनॉमस रीजन हैं। ये खुद का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं और ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह कंसिडर करते हैं। हालांकि वर्ल्ड में काफी कम कंट्रीज ने, चार पांच ही ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने इसे एज अ नेशन रिकॉग्नाइज किया है। उनमें से एक कंट्री है रशिया भी। रशिया इनको खूब फेवर करती है जिसकी वजह से जॉर्जिया और रशिया के जो रिलेशन है वो भी थोड़ा इफेक्टेड है। दोस्तों जॉर्जिया की अगर कैपिटल की बात करें तो वह है तबलीशी। जॉर्जिया एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है। अगर आप जॉर्जिया की बाउंड्रीज को देखें तो इस तरफ आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सी, ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा रशिया, इस तरफ अजरबैजान, इधर अर्मेनिया और इधर टर्की। दोस्तों एक माउंटेन पीक है जो यहां रशिया में पड़ती है कुछ इस जगह पर, जिसका नाम है माउंट एल्ब्रस। ये यूरोप का पार्ट है क्योंकि आप देख रहे हैं रशिया में आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये यूरोप की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो वो है 5642 मीटर्स। तो ये काउकेशियन जो माउंटेन रेंज है उसी में आता है, इसलिए मैंने इसको यहां पर डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ और वो है अजरबैजान और साथ ही अर्मेनिया। इन दोनों को एक साथ देखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच है कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट समझाने के लिए मुझे आपको हिस्ट्री में ले जाना पड़ेगा। दोस्तों ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है, हमें जाना पड़ेगा ईयर 1918 में। तो उस समय से ही अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तीन एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट थे। एक तो ये एरिया हो गया, ये जो एरिया है इसका नाम है नक्शीवान, ये एरिया था। दूसरा एरिया था ये वाला, ये जो इतना एरिया है इसको उस समय कहा जाता था जेंगिजूर, लेकिन अब इसको कहा जाता है स्यूनिक प्रोविंस। और तीसरा एरिया था ये वाला जो ग्रीन कलर में है, काराबाख। तो 1918 से ही अर्मेनिया और अजरबैजान इस पर्टिकुलर पोर्शन पे लड़ाई कर रहे थे, लेकिन फिर जब 1920s में यूएसएसआर का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया तीनों शामिल हो जाते हैं। और यूएसएसआर कहता है अर्मेनिया और अजरबैजान से कि आप लोगों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट है सुलझा देंगे। और इन्होंने इस चीज को सुलझाने के लिए किया क्या, ये जो नाक्शीवान वाला रीजन था ये दे दिया अजरबैजान को, ये जो जेंगजूर वाला रीजन था ये दे दिया अर्मेनिया को, और ये जो काराबाख वाला रीजन था ये दे दिया अजरबैजान को। अब दोस्तों जो नाक्शीवान वाला रीजन है, यहां पर जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो अजरबैजानी पॉपुलेशन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो यहां पर जो जेंगजूर वाला रीजन है, यहां पर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो अर्मेनियन पॉपुलेशन है, तो यहां पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जो काराबाख वाला रीजन था, यहां पर स्पेशली करीबन इतना हिस्सा, मैं इतना आउटलाइन कर रहा हूं, ये इतना हिस्सा जो था यहां पर अर्मेनियन पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी, तो उन लोगों को ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था कि वो अजरबैजान का पार्ट बने, और वहां से ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगा। लेकिन यूएसएसआर का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था तो चीजें शांत रही, लेकिन जब यूएसएसआर खत्म हुआ ईयर 1991 में, जब ये डिसॉल्व हुआ, तो उसके बाद अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया ये सब एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई और फिर से वॉर स्टार्ट हो गई अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। ईयर 1992 से लेकर 1994 तक वॉर चली, और जब 1994 में सीज फायर किया गया तो अर्मेनिया ने ये जो काराबाख वाला जो रीजन था उसके अधिकतर रीजन पर कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद आने वाले सालों में फिर से तनातनी बनी रही। ईयर था 2016 का, 2016 में चार दिन की वॉर होती है और उसमें कुछ रीजन, कुछ इधर का थोड़ा रीजन, थोड़ा इधर का रीजन, अजरबैजान कब्जा लेती है। लेकिन फिर ईयर 2020 में वॉर होती है अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में, और इस समय अजरबैजान काफी पावरफुल है एज कंपेयर टू ओल्डर टाइम्स। और प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से यह है पूरा काराबाख का रीजन। तो मैंने आपको बताया था कि ईयर 1994 में जब सीज फायर हुआ तो इसमें से मोस्टली जो पोर्शन था वो अर्मेनिया ने कब्जा लिया था, और मोस्टली पोर्शन ये था, इतना जो आपको एक ग्रीनिश कलर में दिख रहा है एरिया, और इधर जो ये ब्लू कलर में जो एरिया दिख रहा है ये सारा एरिया था। इधर ये जो आपको ऑरेंजिस कलर में दिख रहा है ये है नागोर्नो काराबाख वाला रीजन, इसको पहले से ही ऑटोनोमस रीजन रखा गया है, और यहीं पर जो अर्मेनियन पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में है, तो मेन इश्यू जो है वो यहीं पर चल रहा है। तो ईयर 2020 में ये वॉर हुई, सितंबर 27 से स्टार्ट हुई थी और 10 नवंबर तक ये चली, और इसका रिजल्ट ये है कि ये जो ऑरेंज कलर में जितना एरिया है
इसको ऑटोनोमस रीजन की ही तरह रखा गया है। यहां पर इसको अर्थशाक कहते हैं या इसको नागोर्नो काराबाग भी बोलते हैं। इस रीजन पर यहां के लोग खुद का एडमिनिस्ट्रेशन खुद देखेंगे, लेकिन जो बाकी का एरिया है, जितना भी बाकी का बचा हुआ एरिया है, वो सारा का सारा अब हाथ में आ चुका है अजरबैजान के। अजरबैजान ने इसको वापस ले लिया, यानी कि आर्मेनिया की इस वॉर में हार हुई है। तो अगर करंट सिचुएशन देखें तो उसके हिसाब से अजरबैजान के पास ये जो काराबाग का रीजन था, इसमें से मोस्टली एरिया उनके पास आ चुका है, सिवाय थोड़ा इतने एरिया को छोड़ के जिसको एक ऑटोनॉमस रीजन के ही तरह रखा गया है अभी भी, और बाकी जो एरिया है वो अब अजरबैजान के पास आ चुका है। नाक्शिवान तो इनके पास पहले से ही था और बाकी ये आर्मेनिया के पास उनका एरिया है। दोस्तों अगर आप अजरबैजान को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है देख के इसको कि जैसे ये एक चील होता है ना, या फिर कोई बर्ड होती है जो उड़ रहा हो, कुछ ऐसी इसकी शेप लगती है। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो वह है बाकू। यहाँ पर एक फ्लेम टावर नाम से काफी फेमस आर्किटेक्चर बनाया गया है। अजरबैजान की अगर बाउंड्री की बात करें तो अजरबैजान इधर रशिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इधर जॉर्जिया के साथ, इधर आर्मेनिया के साथ, लेकिन ये टर्की के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। आप लोग सोचेंगे टर्की के साथ कैसे, क्योंकि ये जो नाक्शिवान वाला जो रीजन है ये भी तो अजरबैजान का पार्ट है, और यहाँ पे थोड़ी सी बाउंड्री टर्की और जो नाक्शिवान का रीजन है अजरबैजान का वो शेयर करते हैं। तो ये टर्की के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है अजरबैजान, और अजरबैजान जो है वो टर्की का एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। हालांकि अजरबैजान में शिया मुस्लिम्स हैं और टर्की में सुन्नी मुस्लिम्स हैं, स्टिल इन दोनों कंट्रीज की काफी अच्छी दोस्ती बनती है। वरना आपको देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न एशिया में शिया और सुन्नी मुस्लिम्स को भी लड़ाया जाता है एक दूसरे के साथ। आर्मेनिया की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये कहीं भी किसी ओपन सी से कनेक्टेड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बीचों बीच में देखेंगे एक लेक है, इसका नाम है लेक सेवैन। अगर आर्मेनिया की कैपिटल की बात करें तो वह है येरेवान। येरेवान के नजदीक में ही एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है माउंट अरारत, और माउंट अरारत जो है ये टर्की का पार्ट है, लेकिन येरेवान से काफी क्लियरली ये दिखाई देते हैं। और आर्मेनिया तो इस माउंटेन को क्लेम भी करता है, क्योंकि उनका मानना है कि आर्मेनियन एम्पायर जो था वो पहले बड़ा था और उसमें ये माउंटेन आता था। तो माउंट अरारत कहां पर है, टर्की में। और इसी के साथ हमारा जो काउकेशियन रीजन था वो होता है ओवर। इसमें हमने तीन कंट्रीज देखी, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। अब हम इस तरफ जाएंगे और देखेंगे टर्की को। ये रहा हमारा टर्की, टर्की को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो ये रहा टर्की। टर्की के पास जो बीचेस हैं उनकी कमी नहीं है। इस तरफ है ब्लैक सी, इस तरफ है एगन सी, यहां पर है मेडिटेरेनियन सी। दोस्तों आपने नाम सुना होगा ऑटोमन एम्पायर का, तो ऑटोमन एम्पायर ये जो पूरा रीजन है यहां पर हुआ करता था पहले, स्पेशली वेस्टर्न एशिया का जो रीजन था वहां पर डोमिनेंटली हुआ करता था। लेकिन अगर उसका मेजर होल्डिंग की बात करें तो वो टर्की था। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया, और ईयर 1923 में रिपब्लिक ऑफ टर्की का फॉर्मेशन किया जाता है, और उसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं मुस्तफा कमाल अतातुर्क, और इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है टर्की के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। टर्की की अगर बाउंड्री देखें तो यहां पर आप जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, हम देख ही चुके हैं। नीचे की तरफ अगर आए तो यहां पर इराक, ईरान और सीरिया के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है टर्की। दोस्तों टर्की भी एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। इतना जो हिस्सा है टर्की का, इतना ये यूरोप का पार्ट है, तो काफी छोटा सा हिस्सा है टर्की का जो यूरोप का पार्ट है। और यहां पर एक सिटी पड़ती है, बहुत फेमस सिटी, सबसे बड़ी सिटी है ये टर्की की, जिसका नाम है इस्तांबुल। तो काफी लोगों को लगता है कि टर्की की कैपिटल है इस्तांबुल, लेकिन वो गलत है। टर्की की कैपिटल है अंकारा, यहां पर है अंकारा। इस्तांबुल जो है वो लार्जेस्ट सिटी है टर्की की, काफी लोग यहां पर घूमने भी आते हैं। और जो इस्तांबुल है ये वर्ल्ड की इकलौती ट्रांसकॉन्टिनेंटल सिटी है, तो इसका कुछ हिस्सा तो ये जो इस तरफ का हिस्सा है ये आ जाता है यूरोप में इस्तांबुल का, और ये वाला जो हिस्सा है ये आ जाता है एशिया में। और यहां पे बीच में एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब होता है कि पानी का एक नैरो पैसेज, एक छोटा सा पानी का हिस्सा जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ता है। यानी कि मान लीजिए एक छोटा सा हिस्सा है जिससे दो समुद्र जुड़ रहे हैं, तो उसको एक स्ट्रेट कहा जाएगा। तो यहां पर जो स्ट्रेट है उसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट, और ये इधर ब्लैक सी और एगन सी को कनेक्ट करता है। अगर ये जो आपको इतना पोर्शन देखेंगे, यहां पर भी एक सी है, उसका नाम है सी ऑफ मईमारा। तो ये हुआ ब्लैक सी, ये हुआ यहां पर स्ट्रेट बॉस्फोरस स्ट्रेट, यहां पर आपको देखने को मिलेगा सी ऑफ मईमारा, फिर एगन सी। दोस्तों माउंटेन रेंजेस भी देख लेते हैं टर्की में। तो दो माउंटेन रेंजेस हैं यहां पर। नॉर्दर्न पोर्शन में पड़ती है पॉन्टिक माउंटेन रेंजेस, और सदर्न पोर्शन ऑफ टर्की में पड़ता है टॉरस माउंटेन रेंज। मैंने आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट का नाम तो बताया ही था, उसके अलावा एक और स्ट्रेट पड़ता है यहां पर। यहां पर ये छोटा सा नैरो पैसेज आप देख सकते हैं जो इसको और इसको कनेक्ट कर रहा है, इस वाटर बॉडी को। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डार्डनेल्स।
और दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में उसका आंसर दें कि ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज कनेक्टेड हैं। आपको मैप में स्ट्रेट अवे दिख रहा होगा, आपको कमेंट करना है इसको। तो टर्की हो गया कंप्लीट। टर्की के बाद हम देख लेते हैं साइप्रस को। ये रहा साइप्रस, एक आइलैंड कंट्री इन मेडिटेरेनियन सी। तो साइप्रस को अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें भी दो कलर्स दिखाई देंगे। ये नॉर्दर्न पोर्शन का कलर अलग दिया हुआ है और सदर्न पोर्शन का कलर अलग दिया हुआ है। इसके पीछे भी कुछ रीजन है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यहां देख लें कि इसके ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा टर्की है और इस तरफ आपको दिखाई देगा ग्रीस। इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको ध्यान रखना है इस तरफ है ग्रीस यूनान और इस तरफ है टर्की तुर्की। तो ये रहा एक डिटेल्ड मैप ऑफ साइप्रस। तो दोस्तों साइप्रस को 1960 में ब्रिटिशर्स से आजादी मिली और साइप्रस पे हमेशा उसके बाद नजर रही ऊपर के रीजन पर टर्की की और इधर का जो रीजन है उस पर ग्रीस की। और इसी के चलते ईयर 1974 में टर्की इन्वेड करता है और इधर से ग्रीस आता है और इस इन्वेजन का जो रिजल्ट आता है वो ये होता है कि जो ऊपर वाला जो रीजन है उसको नाम दिया जाता है नॉर्थ साइप्रस का। अगर एग्जैक्ट नाम बताऊं तो टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस, और जो नीचे वाला रीजन है इसको कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। तो ऊपर वाले में जो इन्फ्लुएंस है नॉर्दर्न साइप्रस में वो है टर्की का और जो नीचे वाला जो रीजन है उसमें इन्फ्लुएंस है ग्रीस का। अब ये जो विवाद हुआ 1974 में, इसको कंट्रोल करने के लिए आप बीच में देख रहे होंगे येलो कलर की जो ये बीच में बाउंड्री दिख रही है, ये है यूनाइटेड नेशंस की बाउंड्री। तो यहां पर यूनाइटेड नेशंस फोर्स रहती है और एक बाउंड्री बनाई गई है ताकि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। और इसके अलावा ये जो रेड कलर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहां पर और यहां पर, एक का नाम है अक्रोतिरी और इधर जो टेरिटरी है उसका नाम है डिकेलिया। तो ये यूनाइटेड किंगडम की ओवरसीज टेरिटरीज हैं। वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो इस पूरी कंट्री को साइप्रस के नाम से देखा जाता है, हालांकि जो नॉर्दर्न साइप्रस है ये खुद को एक कंट्री मानता है और सिर्फ टर्की ही ऐसी कंट्री है जो इसको एज अ इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज करती है। साइप्रस की कैपिटल की बात करें तो वो यहां पर है जिसका नाम है निकोशिया। ठीक है, ये रहा निकोशिया। तो ये जो सदर्न पोर्शन वाला रीजन है जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है उसके अंडर में आता है। तो अभी तक हमने 5 कंट्रीज कवर कर ली हैं। पहले हमने काउकेशियन रीजन में ये 3 कंट्रीज कवर की, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, और उसके बाद हमने देखा मेडिटेरेनियन सी के पास टर्की और साइप्रस को। तो 5 कंट्रीज हो गई हैं। अब हमें देखना है ये रीजन जिसमें आएगा सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इसराइल और पैलेस्टाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरिया को। दोस्तों आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, वो ये है कि पहले सीरिया, लेबनान, ये जॉर्डन, इसराइल और पैलेस्टीन वाला जो एरिया है ये एक ही हुआ करता था, इसको आप ग्रेटर सीरिया भी कह सकते हैं। लेकिन जैसा आपको पता है कि यूरोपियन पावर्स जो थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड राज करती थी पहले, और इसी के चलते एक एग्रीमेंट होता है ईयर 1916 में जिसको कहा जाता है स्काइस पिकॉट एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और इन्होंने ये जो ग्रेटर सीरिया वाला जो मैंने रीजन बोला इसको डिवाइड कर लिया अपने बीच। जो सीरिया और लेबनान वाला जो एरिया था वो डिसाइड हुआ कि फ्रांस रखेगा और जो जॉर्डन, इसराइल, पैलेस्टीन वाला एरिया है आज का वो ब्रिटेन अपने पास रखेगा। और ये एक सीक्रेट एग्रीमेंट था, ये किसी टेरिटरी को खुद से ही डिवाइड कर लेते थे, ना किसी से पूछना ना कुछ, एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर लिया कि भाई वर्ल्ड वॉर वन में हम जब जीतेंगे तो इसके बाद हम इन टेरिटरीज को ऐसे बांट लेंगे। और आने वाले टाइम में ऐसे ही हुआ, ये चीजें बढ़ गई। तो सीरिया की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है दमस्कस, और एक और सिटी आपने नाम सुना होगा वो है एलेप्पो। इन दोनों सिटीज का नाम आपने मेनली सुना होगा आइसिस की वजह से, आइसिस जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ईयर 2011 से आइसिस ने अपना अत्याचार करना स्टार्ट किया था, इराक से स्टार्ट किया था और फिर आगे ये बढ़ के सीरिया पहुंचे और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बर्बाद किया सीरिया को। वहाँ पर आज जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं वो बहुत बुरी हैं, जो कॉमन इंसान है वो बहुत तकलीफ में है वहाँ पर। दोस्तों एक यहाँ पे ये रीजन है, ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं गोलान हाइट्स। ये पहले सीरिया का पार्ट हुआ करता था लेकिन इसराइल ने इसको अपने कब्जे में ले लिया था जो इनके बीच वॉर हुई थी 1967 की, जिसको 6 डे वॉर कहा जाता है। उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा जब इसराइल को बताऊंगा। तो गोलान हाइट काफी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इसराइल के बीचों बीच है ये लोकेशन, तो हर जगह को यहां से मॉनिटर किया जा सकता है। अगली कंट्री है लेबनान। लेबनान देखें आप बाउंड्री शेयर कर रहा है यहाँ पे सीरिया के साथ और इधर इसराइल के साथ। लेबनान की कैपिटल की अगर बात करें तो वो है बेरूत। लेबनान में जितनी भी सिटीज हैं बड़ी बड़ी वो सारी ये कोस्ट पर ही हैं। तो एक सिटी है जिसका नाम है त्रिपोली। अब इसको मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि त्रिपोली किसी कंट्री की कैपिटल भी है। लेबनान में तो एक सिटी है त्रिपोली लेकिन किसी कंट्री की कैपिटल भी है। आप लोगों को कॉमेंट में मुझे बताना है कि त्रिपोली किस कंट्री की कैपिटल है। आपने देखा होगा जनरली कि वेस्टर्न एशिया में सभी कंट्री के पास ऑयल है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को बहुत बूस्टअप मिलता है, लेकिन लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, इसराइल हो गया, पैलेस्टीन, इनके पास ऑयल रिसोर्सेज नहीं है।
और दोस्तों जो गोलन हाइट वाला रीजन बोला था, इसमें थोड़ा सा एरिया है जिस पर लेबनन का भी डिस्प्यूट है, लेकिन आपको बता ही चुका हूं मैं कि जो गोलन हाइट्स है उस पर कब्जा किसका है? इसराइल का। लेबनन में अगर रिलीजन को देखें तो करीबन 55% मुस्लिम्स हैं, अराउंड 40% क्रिश्चियंस हैं, और क्रिश्चियंस को भी हम अगर डिविजन करें तो 23% मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं और 12% ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं और करीबन 4% अर्मेनियन अपोस्टोलिक क्रिश्चियंस हैं और उसके अलावा 5% कंट्री में ड्रूज हैं। अगर मुस्लिम्स की बात करें, उसका भी अगर डिवीजन करें, तो करीबन हाफ पॉपुलेशन मुस्लिम्स में शिया की है और हाफ सुन्नी की है। तो रिलीजन के ही बेसिस पर यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी चलता है, उसको डिवाइड कर दिया गया है। और डिवीजन कुछ ऐसे है कि यहां का जो प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा मेरोनाइट कैथोलिक होगा, प्राइम मिनिस्टर हमेशा सुन्नी होगा, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट हमेशा शिया होगा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट हमेशा ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स होगा। तो इस तरीके से डिवीजन किया गया है यहां पर। अब देख लेते हैं जॉर्डन को। जॉर्डन की कैपिटल है अमान। जॉर्डन कंट्री से ही आपको एक रिवर का नाम याद रखना है और वो है जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर यहां पे मैंने आपको बताया था ये गोलन हाइट्स वाला रीजन है और गोलन हाइट्स में यहां पर हर्मोन माउंटेन्स पड़ते हैं, तो वहां से जॉर्डन रिवर निकलती है, फिर यहां पे सी ऑफ गलीले पड़ता है, वहां से ये होते हुए फिर यहां पर बाउंड्री फॉर्म करती है इसराइल या पैलेस्टीन कह सकते हैं और जॉर्डन के बीच में, फिर यहां पर डेड सी पड़ता है। डेड सी जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यहाँ का जो पानी है वो एवरेज सी वाटर से करीबन 9 गुना ज्यादा सॉल्टियर है, ज्यादा नमक है उसमें, जिसकी वजह से चीजें यहाँ पर फ्लोट करती हैं। अगर आप इसमें डुबकी मारने जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे, कोई भी यहाँ पे डूबेगा नहीं। और फिर यहाँ आगे जाकर ये यहाँ पे एक जो आप देख रहे हैं ये वाटर बॉडी, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा और इसका नाम रखा गया है, यहाँ पर एक टाउन है जॉर्डन में अकाबा, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है गल्फ ऑफ काबा। दोस्तों जॉर्डन जो है वो मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर जो वेस्टर्न एशियन रीजन है वहां पर अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ पर मेडिकल इश्यूज को लेके आते हैं और काफी अच्छा हब माना जाता है जॉर्डन को, और एक बहुत बड़ा अमाउंट ये लोग कलेक्ट कर पाते हैं मेडिकल फैसिलिटीज से अपनी। जॉर्डन के बाद अब आखिरी में बात करेंगे फेलस्टीन और इसराइल के बारे में, तो इसका एक डिटेल मैप ले लेते हैं। दोस्तों अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो जितना भी आपको येलो कलर का एरिया दिखाई दे रहा है वो है इसराइल का। साथ ही मैंने आपको बता ही रखा है कि ऊपर ये जो गोलन हाइट्स वाला रीजन है इसको कैप्चर किया हुआ है इसराइल ने, ये ओरिजिनली सीरिया का हुआ करता था। और जब हम पैलेस्टीन की बात करते हैं तो ये जितना पिंक कलर का रीजन आपको दिख रहा है जिसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, और साथ ही यहाँ पे ये जो इधर पिंक कलर का रीजन आपको दिख रहा है जिसको गाजा स्ट्रिप यानी कि गाजा पट्टी कहा जाता है, यहाँ पर पैलेस्टीनियन रहते हैं। अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो अगर आप किसी इजरायली से पूछेंगे तो वो अपनी कैपिटल कहेंगे जेरूसलम, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर जेरूसलम को इजरायल की कैपिटल नहीं माना जाता, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। वर्ल्ड लेवल पर इजरायल की कैपिटल को अभी भी टेल अवीव ही माना जाता है, यहाँ पर है टेल अवीव। वहीं अगर हम पैलेस्टीन की कैपिटल की बात करें तो वो भी अपनी कैपिटल जेरूसलम को प्रोक्लेम करते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया इसराइल और पैलेस्टीन का, लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो उसके लिए मुझे आपको ले जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। और कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि एक एग्रीमेंट हुआ था, साइक्स पिकेट एग्रीमेंट, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, और उसके अकॉर्डिंग ये जॉर्डन और आज का जो इसराइल और पैलेस्टीन वाला एरिया है वो ब्रिटेन को मिला था। तो ईयर 1947 में जब ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि वो इस एरिया को छोड़ के जाना चाहता है, इस एरिया से मतलब है मेरा आज का इसराइल और पैलेस्टीन, और उस समय इस एरिया को कहा जाता था ब्रिटिश कंट्रोल्ड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। अगर मैप में हम देखें तो कुछ इस तरीके का जितना भी आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये एरिया, इसको कहते थे ब्रिटिश कंट्रोल्ड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। और इसके कुछ एरियाज में ज्यूस लोग भी रहते थे, ज्यूस यानी कि यहूदी लोग, यहूदी धर्म के लोग, और ब्रिटिशर्स ने यहूदियों को ये प्रॉमिस किया हुआ था कि उनको एक लैंड वो देंगे। और एज अ प्रॉमिस ईयर 1947 में एक प्लान लाया गया जिसको कहते हैं यूएन पार्टीशन प्लान, और यूएन पार्टीशन प्लान से डिसाइड हुआ कि ये जो ब्रिटिश कंट्रोल्ड पैलेस्टीनियन टेरिटरी है इसको तीन हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा दिया जाएगा ज्यूइश लोगों को जिसको ज्यूइश स्टेट कहा जाएगा, और जितना भी आप ये व्हाइट कलर का एरिया देख रहे हैं इस मैप में वो सारा का सारा ज्यूइश स्टेट होगा। दूसरा हिस्सा होगा अरब स्टेट का, जितना भी आप ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हैं ये होगा अरब स्टेट यानी कि जो पैलेस्टीनियन है उनको ये एरिया दिया जाएगा। और तीसरा एरिया जो होगा वो रहा ये एरिया, इस एरिया को कहा गया इंटरनेशनल सिटी ऑफ जेरूसलम। तो ये तीन हिस्सों में ये एरिया डिवाइड हुआ, और इस पार्टीशन प्लान से जो ज्यूइश लोग थे, यहूदी लोग थे, वो काफी खुश थे और उन्होंने ईयर 1948 में खुद का एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया और इसको इन्होंने नाम दे दिया इसराइल। तो जितना भी व्हाइट कलर का पोर्शन है उसको इसराइल का नाम दे दिया इन्होंने।
लेकिन जो अरब स्टेट था वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था कि यहाँ पर यहूदियों को लाके उनको जमीन दे दी गई, और साथ ही आसपास के जो कंट्रीज थे वो भी बिल्कुल खुश नहीं थे इस डिसीजन से, और इस वजह से लड़ाइयाँ होती रही। लेकिन इसराइल जो है वो काफी स्ट्रांगली होल्ड करके रखा उसने और अपने एरिया को मेंटेन करके रखा। आने वाले सालों में इधर इजिप्ट है इस तरफ, इजिप्ट ने ईयर 1949 में ये जो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया था इसको अपने हिस्से में कब्जा लिया, और ईयर 1950 में ये जो वेस्ट बैंक वाला जो इलाका था, ये जो अरब स्टेट का ये जो इलाका था, इसको जॉर्डन ने कब्जा लिया इस तरफ से, लेकिन वो इसराइल का कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन फिर होती है एक वॉर ईयर 1967 में, और ये वॉर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी सारे ज्योग्राफिकल चेंजेस जो आप देख रहे हैं आज वो हुए। और इस वॉर में एक तरफ था इसराइल और दूसरी तरफ से थे इजिप्ट, इधर से इजिप्ट लड़ रहा था, इधर से जॉर्डन इसराइल के साथ लड़ रहा था, और इधर से सीरिया। ये वॉर 6 दिन तक चली, इसलिए इसको 6-day वॉर भी कहा जाता है। और इस वॉर का रिजल्ट ये रहा कि इसराइल ने इन तीनों ही कंट्री को परास्त कर दिया। इसराइल ने यहाँ पर जो गोलन हाइट्स वाला रीजन था सीरिया का वो कैप्चर कर लिया, जॉर्डन से इसराइल ने ये वेस्ट बैंक वाला जो इलाका था वो कैप्चर कर लिया, इजिप्ट से यहाँ से ये जो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया था वो कैप्चर कर लिया, साथ ही इजिप्ट का जो ये सिनाई पेनिनसुला वाला रीजन था उसको भी इसराइल ने कैप्चर कर लिया। सिनाई पेनिनसुला को अगर मैं आपको डिटेल में दिखाऊं तो ये रहा सिनाई पेनिनसुला, आपको मैंने बता रखा है कि ये है इजिप्ट, इजिप्ट का जो बड़ा पोर्शन है वो अफ्रीका में है, लेकिन इसका एक छोटा सा पोर्शन जिसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं वो आता है एशिया में, तो इसराइल ने इसको भी कैप्चर कर लिया। लेकिन आने वाले टाइम में इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया इजिप्ट को, और कंडीशन ये रखी कि इसराइल के जो शिप वगैरह रहेंगे उनको बिल्कुल भी रोका नहीं जाएगा इजिप्ट के द्वारा यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन में। गोलन हाइट्स वाला जो रीजन है वो आज भी इसराइल के ही कंट्रोल में है, वो वापस नहीं किया इन्होंने। इंटरनेशनली इसको सीरिया का पार्ट माना जाता है, लेकिन ये है अंडर किसके, इसराइल के। गाजा स्ट्रिप जो है उस पर इसराइल अब एडमिनिस्टर नहीं करता, वो पूरी तरह से एक तरह से पैलेस्टीनियंस के ही अंडर में है। यहाँ पर जो वेस्ट बैंक वाला जो इलाका है यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पैलेस्टीनियंस रहते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल सिनेरियो हम देखें तो ये रहा वेस्ट बैंक का इलाका, और इसमें आपको जितना ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है ना वहीं पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं, बाकी का जो व्हाइट कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं वेस्ट बैंक में वहाँ पर इजरायली फोर्सेस का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, और धीरे धीरे करके यहाँ पर इजरायली लोगों को बसाया जा रहा है वेस्ट बैंक के इलाके में भी। देखिए दोस्तों, इजरायल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, उस पर एक वीडियो अगर बनाई जाए तो काफ़ी लंबी बनेगी, लेकिन ये वीडियो पर्टिकुलरली मैप के बारे में है वो भी वेस्ट एशिया के, तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आप लोगों में से बहुत लोग चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाई जाए तो मुझे कॉमेंट्स में बताएं, मैं कोशिश करूँगा इस पर एक अलग से वीडियो बनाने की, लेकिन मैंने कोशिश की आपको एक प्रोस्पेक्टिव देने की कि क्या चल रहा है एक्चुअल में वहाँ पर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा फिजिकल फीचर्स इस एरिया के। तो ऊपर यहाँ पे गोलान हाइट्स है, यहाँ से जॉर्डन रिवर निकलती है और सी ऑफ गैलीले से होते हुए फिर यहाँ पे बाउंड्री फॉर्म करती है और फिर आगे जाकर डेड सी में मिल जाती है। डेड सी से आगे अगर जाके देखें तो यहाँ पर पड़ता है गल्फ ऑफ अकाबा, और गल्फ ऑफ अकाबा से फिर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप चले जाएंगे रेड सी में। अगर सिनाई पेनिनसुला को देखें तो सिनाई पेनिनसुला जो है वो मैंने आपको बताया कि इजिप्ट का ही एक टुकड़ा है, तो इजिप्ट का जो मेन हिस्सा है और ये इजिप्ट का जो टुकड़ा है इसके बीच में एक कैनाल बनाई गई है जिसको कहते हैं सुएस कैनाल, और ये कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। बीच में इस एरिया को कहा जाता है गल्फ ऑफ सुएस। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो आज का ओवर करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है उन कंट्रीज का नाम जो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक, अंटिल देन अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।